नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पी के स्पेशल क्लासेज। पी के स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो है पेपर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इसका पेपर हल कराया जाए, क्योंकि इसकी नेक्स्ट वैकेंसी आ चुकी है। 6 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पूरा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस किस टाइप का पेपर आया था। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी जो मैंने पेपर हल कर रहा हूँ, ये पेपर 22 जुलाई 2017 का है। FTC की वैकेंसी का है, क्लास सी यानी कि क्लर्क वाली वैकेंसी का है। हम लोग पूरे पेपर पे हल करेंगे। इसके बाद ग्रुप डी का पेपर हल करेंगे, स्टेनोग्राफर का पेपर हल करेंगे, ड्राइवर का पेपर, तो सारा पेपर हम लोग हल करेंगे, ताकि कंफर्म पता चल सके कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस टाइप का पेपर आता है, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से उनको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लास 3 एग्जाम का सॉल्व पेपर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पार्ट है वो हिंदी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी का पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उपमेय में उपमा का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो ये दोस्तों ये अलंकार रूपक अलंकार, इसका आंसर रूपक। नेक्स्ट है, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोरी, बहुत ही पुराना दोहा है दोस्तों, ये बहुत ही पुराना, आप या आपको पता भी होगा ये चीज। तो ये है श्लेष अलंकार, ये श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन आया था ये था विभत्स रस का अस्थायी भाव, विभत्स रस का अस्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, तो उसका जो इसका जो आंसर है इसका है आश्रय। नेक्स्ट आते हैं दशानन, दशानन में कौन सा समास है? दोस्तों ये सभी को पता होगा, किसी का आंसर गलत नहीं होगा, मुझे पता है। तो दशानन का जो समास है वो बहुव्रीही समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि दशानन का अर्थ होता है रावण। नेक्स्ट आते हैं, जल का पर्यायवाची नहीं है तो इसका आंसर है पीयूष, क्योंकि पीयूष का जो अर्थ होता है वो अमृत होता है, इसलिए जल का पर्यायवाची का आंसर जो है इसका ये पीयूष है, पीयूष इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कृतज्ञ का विलोम जो है कृतघ्न है, इसका आंसर है कृतघ्न। नेक्स्ट आते हैं, तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो वत्स, रात्रि, वायु और काज। तो दोस्तों इसका जो ये जो काज शब्द है ये तद्भव है, इसका जो तत्सम है वो कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? भ्राता, सब, कान और बया। तो दोस्तों भाई, भाई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है भ्राता, तो आंसर है भ्राता। वागीश शब्द का संधि विच्छेद जो है वाक धन ईश होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बी है, आंसर बी है वाक धन ईश होता है वागीश का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन आया था, किए गए उपकार को मानने वाला एक शब्द इसका है, तो इसका किए गए उपकार को कृतज्ञ बोलते हैं, और किए गए उपकार को न मानने वाला उसको कृतघ्न बोलते हैं, तो इसका आंसर कृतज्ञ। दोहरा लाभ का अर्थ क्या सही है? तो दोहरा लाभ का अर्थ होता है जो उसका लोकोक्ति का है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बेइज्जत करना का अर्थ सही मुहावरा है, तो पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना का अर्थ होता है बेइज्जत करना। नेक्स्ट है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, मोटा या आदमी आया, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई, तो ये जो लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है दोस्तों ये है आपकी दृष्टि अच्छी है, आपकी चरित्र अच्छी है, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, तो वचन की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है दोस्तों उसका प्राण निकल गया, ये जो प्राण है ये हमेशा बहुवचन पे प्रयोग होता है, इसलिए उसके प्राण निकल गए होगा इसका, तो इसका आंसर यही है उसका प्राण निकल गया। नेक्स्ट आते हैं, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा? तो राजा ने ब्राह्मण को पद धन दिया, तो को इसमें लगा हुआ इसलिए ये कर्म कारक होगा, आपको पता होगा कर्म कारक में को लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य भूतकाल का है? यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मोहनी खाती होगी, उसने खाया है, मोहन ने पढ़ा है। तो जो भूतकाल का शब्द है इसमें यह यही वह यदि वह जाता तो मैं भी जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वाक्य में वर्तनी शुद्ध अशुद्धि है, अशुद्ध है जिसमें और सब शुद्ध है? ईश्वर अंतर्यामी है, उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद आता है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है और
नेक्स्ट है विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें उज्ज्वल, उज्ज्वल में जो दोनों जो ज होते हैं वो आधे होते हैं, तो इसलिए ये वर्तनी इसका गलत है, इसका आंसर यही आएगा बी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है, आयु, ग्रंथ, आदेश और गुरु। तो जो गुरु होता है इसका अर्थ दो तीन, गुरु माने बड़ा, बड़ा भी होता है, गुरु गुरु माने एक टीचर जो होते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं, तो इसका अनेकार्थी शब्द बहुत होते हैं, गुरु माने विशाल भी होता है, तो इसका आंसर गुरु होगा। नेक्स्ट आते हैं, जिसे नहीं जीता जा सके। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जिसे नहीं जीता जा सके उसको अजेय बोलते हैं, अज्ञेय जिसको जाना ना जा सके उसको अज्ञेय बोलते हैं, और अजाशत्रु अर्थात जिसका कोई शत्रु ना हो। तो दोस्तों इसका आंसर ये वाला, इसका आंसर गलत है, ये वाला क्वेश्चन जो है गलत है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक गद्यांश दिया था इसका प्रथम विश्व युद्ध में, इस गद्यांश का आंसर देखते हैं, मित्र शक्तियों का कौन प्रमुख शत्रु था, मित्र शक्तियों में प्रमुख शत्रु जो था वो जर्मनी, जर्मनी था शत्रु। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन पेरिस में हुआ था, इसमें गद्यांश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, शांति सम्मेलन के समय संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति कौन था, तो शांति सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र का जो राष्ट्रपति था संयुक्त राज्य का वो विल्सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार, तो विल्सन के 14 सूत्री यही इसका मुख्य आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं था, तो इसमें जो शामिल नहीं था दोस्तों यह किसी देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, इसमें कहीं भी शामिल नहीं है, और ये जो तीनों क्वेश्चन है दंड स्वरूप हर्जाना नहीं लिया जाएगा शामिल है, कोई आर्थिक मांग नहीं किया जाएगा ये भी शामिल है, किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा ये भी शामिल है, लेकिन ये वाला जो आंसर किसी देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा ये 14 सूत्र में नहीं शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं तो जीके आते हैं, जनरल अवेयरनेस, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो बाद में इनका क्या उपनाम है, तो गोपाल हरि देशमुख का उपनाम लोकहितवादी है, लोकनायक नहीं है, लोकनायक आपको पता है जयप्रकाश हो गए, और लोकहितवादी जो है वो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, इसका आंसर है लोकहितवादी। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है, आपको पता होगा जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, एक मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान थे जिन्होंने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया, तो ये कौन से नेता थे, तो ये राष्ट्रीय नेता थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों है, कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ की थी और जिसके सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने के प्रति वचन लिया, तो दोस्तों आपको पता होगा रोलर एक्ट जो आया था वो 1919 में ही आया था, इसी अधिनियम को रोकने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ की थी, तो इसका आंसर है रोलर एक्ट। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की, जिसका लोकप्रिय नाम कहा जाता है उसको लाल कुर्ती भी कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती ही भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो भी कार्यकर्ता थे वो लाल रंग के कुर्ती पहनते थे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये बहुत से कैंडिडेट को पता होगा, ये जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक जो बांग्लादेश में गंगा नदी तुरंत प्रवेश करती है तो उसको पद्मा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी है, माउंट डायोलो, माउंट कोयो, माउंट पीक, सैडर पीक और माउंट थुलियर, तो इसका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है ये सैडल पीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 91 संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत होगी, तो 91 संशोधन में जो सदस्यों की संख्या होगी वो 15% होगा, इसका आंसर 15। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कौन से
न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया। सौमित्र सेन, वी रामास्वामी, पी डी दिनाकर और सी एस कड़न, तो कड़न तो इसमें जो सभी को महाभियोग तो सभी को चलाया गया था, लेकिन वी राधास्वामी 1993 में ही इनको इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। तो इसका आंसर जो पहली बार है ये इसका आंसर है बी राधास्वामी। दोस्तों आप याद रखिएगा ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये सभी के ऊपर महाभियोग चलाया गया है, लेकिन सबसे पहला पूछा हुआ है तो उसका आंसर है वी राधास्वामी। नेक्स्ट है साइबर कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है, तो जो साइबर कानून है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति। तो साइबर कानून जो है ये किसी भी सूची में नहीं आता, ये अवशिष्ट शक्ति है इसका, ये किसी सूची में नहीं रखा गया है, ये अलग से एक बनाया गया है, अवशिष्ट शक्ति में अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसे अध्यक्षता की, आपको सभी लोग को ये पता है, एक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, तो जो अध्यक्षता की वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन गणित जो पुस्तक सुलवा सूत्र एक किताब का नाम है, इसको कौन लिखा, तो इसको बौधायन लिखे हैं सुलवा सूत्र। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य क्या है, गिद्दा, कोली, घूमर या छऊ, तो इसमें दोस्तों एक जो नृत्य है ये धूमल है, जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है ये धूमल है। नेक्स्ट है धूमल इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच के रूप में है, यात्रा, तमाशा, झूमर या विदेशिया, तो दोस्तों इसका आंसर है विदेशिया, विदेशिया जो लोक रंगमंच है ये बिहार राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट है आभूषण जोशान शरीर में पर पहना जाता है, तो आभूषण जो जोशान है वो बांह पर पहना जाता है, जो ये जोशान शब्द है ये उर्दू भाषा है, ये एक आभूषण है, एक तरह का आभूषण होता है, इसको बांह में पहना जाता है बांह। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग दिल्ली के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है, तो इसका आंसर है शेख नसीरुद्दीन महमूद। एक्चुअल में क्या है कि शेख नसीरुद्दीन महमूद का पूरा नाम है शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली, तो इनका उपनाम है चिराग दिल्ली, इसका आंसर है शेख नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है लखनऊ में आयोजित 2017 का जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, पुरुष एकल में किसने जीता, तो जो पुरुष एकल में जीता है वो समीर वर्मा, और जो यदि पूछेगा इस वुमेन्स में तो वुमेन्स में पीवी सिंधु है, और मतलब महिला एकल में जीता है पीवी सिंधु और पुरुष एकल में समीर वर्मा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ही पूछता है सैयद मोदी इंटरनेशनल। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 2018 में फीफा कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होगा, तो ये रूस में होगा, रूस में 2018 फीफा विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है देश में 50 से अधिक वर्षों के गृह युद्ध को समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया, तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2016 मिला था उनको जुआन मैनुअल सांतोस को मिला था, ये कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे बहुत ही फेमस किताब है, इसको किसने लिखा, तो प्लेइंग इट माई वे इसको लिखे हैं सचिन तेंदुलकर ने, इनका ये आत्मकथा है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2017 में उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना के तहत सबसे पहले हरी झंडी कहाँ से दिखाई थी, तो इसका जो शिमला टू दिल्ली अप्रैल 2017 में शिमला टू दिल्ली के लिए रवाना किया गया था, उसको हरी झंडी इन्होंने दिखाया था, इसका आंसर है शिमला टू दिल्ली। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है भारत ने फाइनल में किसको हराकर जूनियर विश्व कप हॉकी जीता, तो दोस्तों ये जो विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, तो बेल्जियम को हराकर, इसका आंसर है बेल्जियम को भारत ने हराकर जूनियर विश्व कप हॉकी जीता। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश
कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर की है। गौतम बुद्ध नगर छोटा जिला है तो इसलिए इसकी जो साक्षरता दर है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में बहुत ही कम जनसंख्या है, तो इसके अनुसार इसकी जो जनसंख्या जो साक्षरता दर है वो बढ़ गई है, तो इसलिए इसका आंसर है गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है। तो ये धार्मिक स्थल है, ये लखनऊ में है, लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर के आस के दूर, 40 से 50 किलोमीटर के दूर पे है ये। तो दोस्तों नेक्स्ट, ये वीडियो अब लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।